नंबर दे दे रहा हूँ, नंबर ले लेना जाने पहले मैं नंबर ले लेना। क्या बिल्कुल बिल्कुल सी वाला समुद्र वाला सब मिल गया, सब मिल गया। उतना तुम खोजे ही नहीं हो। अरे एक दो ठो, एक पाव लेना, एक पाव में तो एक खाएगा नहीं, नहीं तो तीन तो चढ़ जाएगा। अरे आराम से चढ़ जाएगा तीन तो। चलो भाई भाई इसमें मगर वगर नहीं है क्या? नहीं। अरे मछली यहाँ नहीं मिल रहा आपको? अरे ऐसे बोल दिया करो ना, है भैया डराने के लिए पब्लिक को। मतलब होगा तब भी नहीं बता रहे होंगे भैया। नहीं भेड़ा घाट पर है ना, जैसे हम लोग बता देते पहले से भेड़ा घाट में मगर है, हाथ बाहर बिल्कुल मत निकालना। तो देख के आते हैं अभी, क्या चक्कर लगा के ले चलोगे भैया? ऐसा उधर से ऐसा घुमा के लेके जाओगे? नहीं नहीं ये बारिश से। अच्छा बस ये बारिश से दिखाओगे? लाल भाजी पालक भाजी दिखता है। अच्छा आगे जाने का कितना लेते हैं? और सेम रेती दिखाने का ये 50 में है हम लोग। चलो बस ठीक है ना, वापस कर लिया जाए क्या? और चलना आगे भाई? नहीं नहीं चलते खेत तक तो पहुँचने जा रहे हैं, वहाँ तक तो जाएंगे। चलो चलो पालक भाजी लेने का। इसके अंदर और नहीं, इसके अंदर कुछ देखो कहाँ बड़ा है छोटा है? हाँ तो बोल दे, दिख ही नहीं मेरे को। फिर थंबनेल डालते हुए बनता है फाउंडर टाइप। अच्छा वो मरा वाला आशीष में क्या यार? यार तो यार बियर भी एक ही थोड़ा डीप है ना यहाँ पे, रात मतलब गड्ढा है यार, ज्यादा गहरा ज्यादा रात में। भैया यहाँ रुकने देते हैं क्या रात में? हाँ रुकने के लिए कोई मना नहीं करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन, आप अपना घर द्वार लेके आओ, वहीं बनाओ घर और यहीं रहो खाओ है। और रात रुकने के लिए कोई क्यों मना करेगा? 4 साल हो गया, 5-6 साल। हाँ क्या करते हैं क्रिस्टल लोग? खाना वाना खाते हैं, मेला लगता है ना उन लोग का यहाँ, रात में करना चाहिए। वहाँ तक तो ले गया तो वहाँ से भी तो मुड़ जाता का। अरे बस सब्जी में बाड़ी खरीदूंगा, ताजा ताजा सब्जी ले लूंगा, भाजी मुरई भाजी देती तो भाई आप लोग नहीं आ पाए। इधर क्या स्लो होगा ना, इधर स्लो होगा क्या, ढलान होगा इधर। ये हमारा अच्छा भाई और इसकी साला उसी दाय से पानी इस लेवल पे है, कोई दिक्कत है वाला नहीं सर, इस लेवल पे है, इसको ढके सीधा नीचे कोई दिक्कत नहीं भाई। हां वो डूबी देखो ना, वो बहुत रिस्की है, कुछ रिस्की नहीं है सर, लगता है। आवाज मारो, चलना मेरे साथ में, तेरे को गोवा आवाज मारो लेके जाऊंगा। आवाज मारो, कहाँ भैया आप लोग? ए चाचा इधर से काट रहे हैं, आगे ले जा, आगे ले जा, आगे ले जा। तो ओए के चक्कर में तू मत काट, चल। ओए बोल रहा है धीरे से गाड़ी चल। भाई भैया कौन चप्पू चला रहे? नेचर हमेशा अच्छा ही लगता है, बताओ नेचर हमेशा अच्छा ही लगता है, कोई बनावट ऐसा नहीं। ब्रिज पे सब साथ गाड़ी लगाई, हम एक साथ ऐसे लगाए, ऐसे ही मेरे जाएंगे फोटो खींचने। अरे एकदम एक नंबर यार, ऐसा पूछ रहा था भैया खींच दे, भैया खींचोगे क्या? अच्छा नाव में हम लोग वहाँ सब खड़े होंगे तो मना करेंगे सर, और यहाँ से आप फोटो को सीधा ऑर्डर देना है, चलो खींचो कर सब खींचे पूछो के तो नहीं खींचे।
फेफड़े में ऑक्सीजन जा रहा है। अच्छा लगा था सुन रहा सुनता हुआ कि वो ब्रिज तक लेके जाओगे क्या भैया चप्पू वाले भैया मंदिर वगैरह उस साइड है ना। अच्छा ऐसा तो घुमा दोगे ऐसा वो उधर ना। अच्छा ऐसे लेके वो गार्डन से वो ब्रिज से लेके ऐसे लेके आओगे तो कितना लेते हो कितना ज्यादा यार ऐसी तो चल रहा है उसमें तो जाग कर लो क्या हाँ नहीं सही है भाई ताकत लगता है इसमें मोटर लगा लो भैया सबसे अच्छा खराब हो गया तो फिर साला उसमें अलग मोटर वो ठीक है खराब हो गया देखो उन लोगों ने 30 भी बचा लिया और टायर ही लेके चल दिया। हाँ टायर लेके तो टायर में कितने लोग हैं भैया तीन लोग हैं। देखो अरे बाप रे अरे लोग लोकल है भाई सब अच्छे तैराक हैं सीन बहुत अच्छी आती है हम लोग आधा दूर में डूब जाएंगे आधा दूर थोड़ा भी नहीं आ सकते अपन ये वो गए तो कर सकते हैं पता है स्विमिंग भी अपन स्विमिंग पूल वाले और यहाँ वाले में अंतर है ना यहाँ की गहराई में जाने के बाद थक गए कहीं नदी है ना आगे जाके तो फिर तो पानी स्विमिंग पूल में ज्यादा ज्यादा 10-20 फीट तैरते हैं ये तो मालूम नहीं चल रहा ये कम से कम 40-50 फीट है और ज्यादा ही अभी 100 मीटर 100 मीटर है पूरा वहाँ पता चला भैया जोश जोश में चले तो गए फिर रिटर्न नहीं है बीच में बीच में थक गया तो है वो देखो एक और नया नाविक बन गया मैं भी वीडियो बनाऊंगा तुम्हारा चिपक के चल रहे हैं हम लोगों ने फुल एंजॉय किया धीरे धीरे एक बार में नहीं एकदम चिपक के चल रहे अपन लोग को भी वैसे लग रहा होगा नहीं लेकिन अपना भी अच्छा दिख रहा होगा ऊपर से फोटो खींचे ना वो क्या है ना जैसे केरल वाले में रहता है ना एकदम गांव का उसके ना भी एक्सचेंज करें भैया इधर आ जाओ हम लोग उधर चलते हैं।